अगर ये स्पीड पे मेरा माइक सेटअप चल रहा है ना, मतलब अपना सेटअप सक्सेसफुल है। Hey guys, welcome to the channel. आज हम बात करेंगे एक मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में जो आप अपने हेलमेट में लगा सकते हैं। अभी ये सब्जेक्ट के ऊपर तो काफ़ी सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, बट हर एक का अप्रोच अलग होता है, तो शायद मेरा जो अप्रोच होगा वो आपको काम आए। मेरा जो हेलमेट है वो LS2 Storm है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये ब्लू आर्मर चिन माउंट लगाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो। मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए बेसिकली आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक GoPro माइक अडैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक TRS to TRRS अडैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सब चीज़ कंबाइन करके आपको सेटअप करना पड़ेगा आपके हेलमेट में। सो मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए बेसिकली आपको माइक्रोफोन कनेक्ट करना होगा आपके GoPro से। जो लेटेस्ट मॉडल्स है GoPro के, आई थिंक GoPro 8 और 9 ऑनवर्ड, उसमें कुछ मीडिया मॉड करके अटैचमेंट आता है जो आप यूज़ कर सकते हो। मेरा जो GoPro है वो थोड़ा पुराना है, ये हीरो 7 ब्लैक है, तो इसमें डायरेक्टली मैं माइक्रोफोन नहीं कनेक्ट कर सकता। इसमें अगर मुझे माइक्रोफोन कनेक्ट करना है तो मुझे एक अडैप्टर लगता है जो GoPro का आता है। ये GoPro का अडैप्टर फिट होता है GoPro के USB-C सॉकेट में, और उसके बाद इसमें एक इनपुट है ऑडियो के लिए जो आप यूज़ कर सकते हो। बट अभी भी एक कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज यूजुअली जो माइक्रोफोन आते हैं वो होते हैं थ्री पिन वाले जैक के साथ में, एंड उसमें बैठेगा 2-पिन जैक। उसके लिए एक अलग से आपको अडैप्टर लेना पड़ता है। ये एक अडैप्टर है, ये 2-पिन जो है, ये वाला पिन जो है ये इस अडैप्टर में बैठेगा, और इसमें आपका माइक्रोफोन बैठेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सेटअप, बट ये पूरे सेटअप को ईजी करने के लिए एक अलग सा केस आता है मार्केट में जो मैंने लिया था। ये केस का नाम है, ये यूलानजी ब्रांड का केस है, एंड इसमें आप GoPro और GoPro अडैप्टर दोनों फिट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि अगर आप सिंपल केस यूज़ कर रहे हो और आपका GoPro अडैप्टर जो है वो साइड में लटक रहा है, आप ये GoPro और ये अडैप्टर दोनों एक सिंगल केस में लगा सकते हो। उससे ये पूरा सेटअप काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है, एंड माइक्रोफोन जो है, ये जो केबल है, ये पूरा मैं हेलमेट के अंदर ही सेटअप करूँगा, सो दैट बाहर कुछ नहीं निकले। एंड जब भी मोटो व्लॉग करना होगा हम लोग बस ये TRS अडैप्टर को कनेक्ट करेंगे। GoPro माउंट मैंने लगा दिया है। अब आप देख सकते हो बाहर से ये कुछ इस तरह दिखेगा। काफी कॉम्पैक्ट हो गया है अब, और अंदर से कुछ इस तरह सेटअप है। जो माइक्रोफोन है वो मैंने थोड़ा सा साइड में लगाया है, बिकॉज अगर आपके डायरेक्टली माउथ के नीचे होगा तो काफ़ी विंड आ सकती है वाइजर के, वेंटिलेशन के थ्रू, या फिर आप बात करोगे, सांस लोगे, तो वो भी माइक पे गिर सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा साइड में लगाया है। ये अडैप्टर भी मैंने अंदर ही फिट कर दी है। अभी इस पर हम चिन कर्टन लगाएंगे तो ये नीचे से पैक हो जाएगा। सो गाइस, पूरा सेटअप अभी मैंने कर दिया है हेलमेट पे। GoPro और अडैप्टर जो है वो हेलमेट के बाहर माउंट पे है, और जो सेकेंडरी अडैप्टर है उसको मैंने लूप करके माइक्रोफोन के साथ ही कनेक्ट किया है। वो दोनों चीज़ हेलमेट के अंदर है जो मैंने टेप से सिक्योर किया है। चिन कर्टन की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जो अडैप्टर था वो थोड़ा नीचे आ रहा था और मेरा हेलमेट का चिन कर्टन फिट नहीं हो रहा था, तो चिन कर्टन में मैंने एक छोटा सा होल किया है जिसके थ्रू मैंने अडैप्टर पास किया है। और उससे एक ये एडवांटेज अब हो गया है कि जब मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं जो एक्सटर्नल सेटअप है वो निकाल सकता हूँ, और जो पिन है उसको मैं वहीं पर टक कर सकता हूँ। काफ़ी सिक्योर हो गया है सेटअप। अभी कल सुबह एक छोटा सा राइड करते हैं और देखते हैं ऑडियो क्वालिटी कैसे। गुड मॉर्निंग गाइज, सो अभी टाइम आ गया है अपना सेटअप चेक करने का। बाइक को मैंने वार्म अप कर दिया है, चेन ल्यूब भी कर दिया है सुबह में। अभी एक शॉर्ट राइड मारते हैं सिटी के आसपास, कुछ प्लान तो है नहीं, कहीं चलते हैं, चाय वाय पीते और माइक सेटअप भी टेस्ट कर लेते, थोड़ा और वार्म अप कर लेता हूँ बाइक को। काफ़ी ठंड है आज,
सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15। प्रॉपर राइड कुछ दिन में मारेंगे, आज तो बस एक छोटा सा राइड करेंगे सिटी के आसपास। लास्ट टाइम जब मैंने माइक सेटअप किया था तो सिटी में तो बहुत बढ़िया चल रहा था, बट जैसे ही आप हाई स्पीड पे जाते हो अराउंड 80-100 के आसपास तो काफ़ी विंड नॉइज आ रही थी। आज चेक करते हैं, होपफुली ये सेटअप में वो दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, खुल जा सिम सिम। भाई साहब रोड की तरफ देखना भी नहीं है, सब सलमान खान बने हुए हैं। रुक जाओ चचा। मैंने सोचा था थोड़ा और अर्ली राइड करूँगा आज, बट कुछ चीज़ों के वजह से लेट हो गया। कल रात को लेट सोया, फिर सुबह उठने के बाद मैंने नोटिस किया कि टायर में हवा थोड़ी कम थी। फिर मैं हवा भरा, सिग्नल अपना चालू है, तू कहाँ से जा रहा है रे? उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं, जो मेरे पास पोर्टेबल एयर कंप्रेसर है। ज़्यादातर लोग MI का लेते हैं बट मुझे वो मिला नहीं स्टॉक में, तो मैंने पोट्रॉनिक्स का लिया था। ओ वाह, काफ़ी यूज़फुल टूल है वो, अगर आप राइड्स पे फ्रीक्वेंटली जाते हो या फिर इवन भी अगर नहीं भी जाते हो तो आप काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो उसको। एक अलग से वीडियो बनाते हो उस पर। मेरा ये जो हेलमेट है इसमें कंपेरेटिवली विंड नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है मुझे ऐसा लगता है। मेरा पहले जो हेलमेट था वो SMK स्टेलर था, ये वाला जो है वो LS2 स्टॉर्म है। सिटी में इतना विंड नॉइज़ नहीं आता है इसमें, बट जैसे आप हाई स्पीड्स पे जाते हो ना थोड़ा बफेटिंग के वजह से या फिर पता नहीं फॉर सम रीज़न विंड नॉइज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। हाँ, एक रीज़न हो सकता है कि वेंटिलेशन इसमें ज़्यादा है, डेफिनेटली दैट कुड बी द रीज़न। बट इसका मैंने वेंट्स भी क्लोज करके एक बार टेस्ट किया था, विंड नॉइस हल्का सा ज़्यादा है इसमें बट कंफर्ट बहुत भारी है हेलमेट का। अगर आपको एक स्पोर्ट टूरिंग हेलमेट चाहिए अंडर 10,000 विथ रीजनेबल सेफ्टी एंड गुड फीचर्स, LS2 स्टॉर्म ज़रूर चेक कीजिए। अभी आई थिंक वो 12,000 तक गया है, बट डिस्काउंट्स वगैरह में आपको शायद मिल जाएगा कहीं ना कहीं। SMK LS2 दोनों में अगर बिल्ड क्वालिटी का कंपैरिजन करूं मैं तो डेफिनेटली LS2 इज़ अ स्टेप अप। बिल्ड इसका काफ़ी बेटर है कंपेयर टू SMK। मैंने SMK का टाइटन भी चेक किया था शॉप में, बट मुझे वो इतना जमा नहीं, उसका शेप भी थोड़ा सा ऑड लगा मुझे। प्लस उसका जो फिटिंग है मेरे हेड शेप के हिसाब से थोड़ा सा ऑफ था, बट ये मुझे एकदम परफेक्ट बैठा। एंड डेफिनेटली आप शोरूम में जब जाके देखोगे LS2 और SMK का कंपैरिजन करोगे, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है एंड जो मटेरियल्स यूज़ किया LS2 है वो डेफिनेटली एक नॉच ऊपर है। आपको मज़ा आएगा ये हेलमेट पहन के बाइक चलाने में। इसको जाना राइट है क्या? कहाँ जाना है भाई? देखो एक नंबर ना भाई। इंडिकेटर तो यूज़ करते ही नहीं है पब्लिक, बस मुंडी या थोड़ी सी उंगली घुमा लेंगे और कुछ नहीं। शाहरुख खान चक दे के शाहरुख खान वाला फील आता है मुझे, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा, नहीं ये तो सीधा जाएगा। कुछ भी बोलो, अर्ली मॉर्निंग का अलग ही मज़ा आता है यार।
ट्रैफिक भी काफ़ी कम होता है, मौसम भी मस्त होता है एंड आप बहुत इजीली आप सिटी को बाईपास कर लेते हो। यही स्ट्रेच अगर मैं दिन के टाइम में करूं ट्रैफिक आवर्स में, ये जो मैं अभी 5 मिनट में क्रॉस कर रहा हूं उसके लिए मुझे एटलीस्ट 20 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। लास्ट टाइम के सेटअप में एक और प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब मैं सांस ले रहा था तो वो भी काइंड ऑफ कैप्चर हो रहा था ऑडियो में, जिसके वजह से ओवरऑल ऑडियो का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था। बिकॉज जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो तो जो हवा आती है वो भी माइक्रोफोन को हिट करती है और उसके वजह से साउंड ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता। इसलिए इस बार ये डेड कैट फर लगाने का रीज़न वही था कि एक तो विंड नॉइस को निगेट कर दे, वो विंड नॉइस कैप्चर ना हो, और दूसरा ये जो सांस लेने वाला जो डिस्टर्बेंस आता है माइक पे वो भी ना हो। अपनी गाड़ी जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना, हैंडल बार चौड़ा है यार। अब मज़ा आ रहा है राइड का एंड माइक का भी टेस्टिंग हो रहा होगा। जब मैं अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ तो ये स्ट्रेच एकदम खाली होता है, एकदम सुकून से निकलता हूँ मैं। आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था, मेरे घर से लोनावला ऑलमोस्ट 1 आवर में मैं पहुँच जाता हूँ, बट फिर एक बार एक ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है ना फिर उतना मज़ा नहीं आता यार राइड में। जब से इंटरसेप्टर लिए ना ये डोमिनर ज़्यादा लिख नहीं रही है ब्रेकफास्ट राइड में, यूजुअली मैं इंटरसेप्टर लेके जाता हूँ, बट इतना कम रनिंग के बाद भी बाइक मक्खन की तरह चल रही है यार। आई थिंक जो अर्ली लॉट्स थे ना डोमिनर के उसका क्वालिटी बेस्ट था, 2019 ऑनवर्ड्स कुछ इश्यूज सुना है मैंने। हाँ वाइब्रेशंस है इसमें, वो तो एनी बिग सिलेंडर बाइक में होगा ही, आप 300 cc के ऊपर कोई भी बाइक उठा लो वाइब्रेशंस तो होना ही है, बट एक टाइम के बाद आप यूज्ड टू हो जाते हो वो वाइब्रेशंस को। इनिशियली मुझे भी लगा था, मैं जब 200 cc से डोमिनर पे आया था मुझे लगा था बहुत वाइब्रेशंस है यार, बट फिर डेली चला चला के यू गेट यूज्ड टू इट, इट्स नॉट अ बिग डील। बजाज ने बाइक बहुत अच्छी बनाई दी है, उसका मार्केटिंग बेकार किया है यार।
आज भी अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना है ना, और अगर आपके पास अंडर 3 लाख का बजट है, और अगर आपको रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल्स नहीं लेना है, CB 350 हो गया, Classic 350 हो गया, उसके बाद भी आई स्टिल से कि डोमिनो 400 इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। पावर भी है, कम्फर्ट भी है, स्पेयर्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, इतनी कुछ दिक्कत नहीं है। आपके सर्विस सेंटर्स में नहीं मिला तो भी आप 99rpm.com पे चले जाओ, वहाँ से आप स्पेयर्स उठा सकते हो। एंड डोमिनर एटलीस्ट इतनी तो बिकी है कि आपको फ्यूचर में भी स्पेयर्स की दिक्कत नहीं होगी। ये बाइक जो मैंने लिया था, ये मैंने यूज़ लिया था बिकॉज ये टेम्पररी बाइक के हिसाब से मैंने लिया था फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। इसके बाद मैं शिफ्ट होने वाला था इंटरसेप्टर पे, बट इंटरसेप्टर लेने के टाइम मेरा मन नहीं गया यार ये बाइक बेचने का, क्योंकि इसका कंडीशन इतना अच्छा है ना, इंजन इतना मस्त चल रहा है इसका, क्यों बेचूं मैं? इससे अच्छा मैं इसी को एक प्रोजेक्ट बाइक बना लेता हूँ, इसको कुछ मॉडिफाई कर लेता हूँ। अगर ये स्पीड पे मेरा माइक सेटअप चल रहा है ना, मतलब अपना सेटअप सक्सेसफुल है। आई होप ये सेटअप पे माइक चले यार, क्योंकि यूजुअली हाईवे पे तो यही स्पीड होती है क्रूजिंग की। क्या कर रहे हो भाई? और मेरा माइक सेटअप करने का रीज़न एक और था, अगर आपके पास GoPro Hero 7 या उसके बाद वाला कोई मॉडल है, आई थिंक उसके बाद वाले मॉडल में भी डेफिनेटली होगा, 7 में तो है तो उसमें भी होगा ही, क्या आप इसमें इसको वॉइस कंट्रोल कर सकते हो? सो देर आर सर्टेन, देर आर कुछ कोड्स है जो आप अगर आप बोलोगे तो GoPro रिकॉर्डिंग चालू करता है फिर रिकॉर्डिंग बंद करता है, तो आपको बार बार बटन बंद चालू करने का झंझट नहीं रहता है, आप वॉइस से ही अपने GoPro को कंट्रोल कर सकते हो। यूजुअली मैं क्रूज़ करता हूँ हाईवेज पे अराउंड 80-100 के बीच में, वो मेरा क्रूजिंग स्पीड रहता है इन जनरल। एंड जो प्रीवियस सेटअप था, इवन 80-100 के बीच में भी उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी रिकॉर्ड करने में। तो यूजुअली ये मेरा क्रूजिंग स्पीड रहता है 80-100 के बीच में। और अभी हम देखेंगे कि ये ऑडियो क्वालिटी कैसी होती है, अगर आपको विंड नॉइज़ आ रही है नहीं आती है। तो मेरा जो पुराना सेटअप था इसमें तो आवाज़ आती नहीं थी, काफ़ी विंड नॉइज़ आती थी, काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता था, समझ में नहीं आता था मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट आई होप ये सेटअप काम करे। ये मुंबई का एक्सप्रेस वे ज्वाइन हो रहा है हाईवे पे, यहाँ पे थोड़ा संभालना पड़ता है क्योंकि लोग वही स्पीड कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। काफ़ी स्टेबल है हाईवे पे, काफ़ी स्टेबल है, मज़ा आता है गाड़ी चलाने हाईवे पे। अगर आप सिटी के लिए डोमिनर ले रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता, गाड़ी का व्हील बेस लंबा है, वेट है, आपको हैवी लगेगी फिल्टरिंग करने में ट्रैफिक में, हैंडल बार भी ठीक ठाक ही चौड़ा है, उसमें कुछ मज़ा नहीं है सिटी में अगर आपको खाली चलाना है तो। बट आप हाईवे पे लेके आओ या बाइक को और आप देखोगे कि बाइक क्या शाइन करती है, एफर्टलेसली क्रूज़ कर सकते हो आप उसको। ये माइक्रोफोन सेटअप से ज़्यादा डोमिनर का ऐड हो गया मुझे लग रहा है, मैं भी चुप हो जाता हूँ, अभी बस राइड का मज़ा लेते हैं। माइक्रोफोन का जितना टेस्टिंग हो रहा था हो गया, आप अगर आप आगे देखना चाहते हो वीडियो तो प्लीज़ देखिए, लेट मी नो आपका फीडबैक क्या है, आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स। ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग था तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं ये सब चीज़ का, मैं तो बस वही बोलते गया जो मुझे लग रहा था, वो फ्लो में बात करते जाऊँ। बट डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ कॉमेंट्स है, कुछ सजेशन है जिससे मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बस अभी कहीं चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर घर चलता हूँ। अगर कैमरे में बैटरी होगा तो रिकॉर्ड होगा, वरना फिर ये वीडियो यहीं पे बंद करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, राइड सेफ़।